हेलो एवरीवन, एसएसटी का चैप्टर नंबर 7 द लाइफ इन द नदर माउंटेन्स हमने स्टार्ट किया था। पिछले दो लेक्चर्स में हमने दो स्टेट्स को कवर किया। फर्स्ट स्टेट यानी अभी जो यूटी है, जम्मू कश्मीर या लद्दाख को कवर किया था। सेकंड लेक्चर में हमने कवर किया है हिमाचल प्रदेश को। इस लेक्चर में बेसिकली हम बात करने वाले हैं टोटल 7 स्टेट्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल होगा वो उत्तराखंड, देन सिक्किम के पास जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। इसमें से ये जो 7 स्टेट्स आप देख रहे हैं, ये भूटान हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, ये जो 7 स्टेट्स हैं ये चूँकि पढ़ते हैं हमेशा टॉप में कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ। इसके अपोजिट में साउथ हो गया। इस साइड में कौन सा डायरेक्शन हो गया, ईस्ट। और ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, वेस्ट। तो ये डायरेक्शन जो है इसको बोलते हैं NE यानी नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में टोटल 7 स्टेट्स आते हैं। अरुणाचल प्रदेश सबसे टॉप पे, असम, देन मेघालय, इन त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर एंड नागालैंड। ये जो टोटल 7 स्टेट्स हैं इनको क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स बोलते हैं, 7 सिस्टर स्टेट। और एक और ये जो स्टेट है सिक्किम, आप इसको इसका भाई बोल सकते हैं, ब्रदर बोल सकते हैं। सिक्किम की क्या खास बात है कि केवल एक ओनली वन इंडियन स्टेट के साथ ही अटैच है, जो वो है वेस्ट बंगाल के साथ में। ये ऊपर देखिए, और ये जो पिंक कलर का साइड में देख रहे हैं, ये जो सिक्किम स्टेट है दो कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है, नेपाल के साथ एंड भूटान के साथ में। और एक ही इंडियन स्टेट है जिसका नाम है वेस्ट बंगाल, इसके साथ में बाउंड्री शेयर करता है, इसकी एक खास बात है। बाकी के ये जो 7 स्टेट्स हैं, तो 7 स्टेट्स में से भी ये जो असम है, असम ही केवल रेस्ट ऑफ इंडिया से अटैच में है, वो भी किसके साथ, वेस्ट ऑफ बंगाल के साथ में। इसलिए भी बहुत ज़्यादा मायने रहते हैं हमारे लिए। तो चूंकि ये कहाँ पढ़ते हैं, नदर माउंटेन्स रेंज में ही पढ़ते हैं, तो इनके बारे में डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इनकी कैपिटल देख लेते हैं फटाक से। चलिए, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल कहाँ थी, शिमला में। ये उत्तराखंड की कैपिटल कहाँ है, देहरादून। ये दिख रहे हैं ना, हरियाणा यूपी एंड उत्तराखंड के जस्ट बाउंड्री के पास में देहरादून, इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट जो स्टेट कवर करेंगे वो होगा सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल कहाँ है, ये देखिए ध्यान से मैप में, ये गंगटोक। देन अरुणाचल प्रदेश जाएंगे, कहाँ कैपिटल इसकी, ईटानगर, येल्लो कलर में आएंगे। असम कैपिटल कहाँ है, दिसपुर। कैपिटल कहाँ है, दिसपुर। फिर मेघालय में आएंगे, मेघालय में कहाँ कैपिटल, शिलोंग में है। ये देखिए त्रिपुरा की कैपिटल कहाँ है, अगरतला में। मिजोरम को देखिए यहाँ पे है, इसकी कैपिटल कहाँ है, आइजॉल। फिर मणिपुर आइए, मणिपुर की कैपिटल कहाँ है, इम्फाल में। फिर नागालैंड आइए, नागालैंड की कैपिटल कहाँ है, कोहिमा में। सारे स्टेट्स कवर हो गए। तो ये कौन से डायरेक्शन में पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे NE नॉर्थ ईस्ट, इनको इंडिया भी बोलते हैं। और ये उत्तराखंड कहाँ पड़ेगा, ये आप इसको क्या बोल सकते हैं, ये नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ में भी बोल पढ़ सकता है, इसको नॉर्थ डायरेक्शन वाले स्टेट्स बोलेंगे। एक एक करके करेंगे। तो नदर माउंटेन्स में और जो स्टेट्स पढ़ने वाले हैं, एक एक करके पढ़ते हैं इनको। सबसे पहले कौन स्टेट पड़ेगा आपका, सिक्किम। तो सिक्किम जो है सेकंड स्मॉलेस्ट और लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया में। लिस्ट पॉपुलेटेड का मतलब यहाँ जो पॉपुलेशन है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कम है। और स्मॉलेस्ट की बात करें, सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, गोवा है। दूसरे नंबर पर सबसे छोटा कौन आता है, सिक्किम। ये कहाँ लोकेटेड है, कि लोकेटेड है कहाँ पे, ईस्टर्न रीजन ऑफ द हिमालय। और यहाँ पे बहुत सारे क्या है, हिली और माउंटेनियस रीजन है। क्यों, क्योंकि माउंटेन्स में है, तो सिंपल सी बात है, हिल्स और माउंटेन्स ही पाए जाएंगे। इसकी कैपिटल है गंगटोक में। और यहाँ पे दुनिया का सबसे तीसरा जो हाईएस्ट पीक है, जिसका नाम है कंचनजंगा, ये लाई करता है इसी स्टेट में, विद द बॉर्डर ऑफ द सिक्किम। सिक्किम और जो नेपाल है, मैप देखिए ध्यान से, मैं बताता हूँ आपको, ये मैप है ना, तो माउंट एवरेस्ट जिसको बोलते हैं, वो हिमालय क्या पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, तो वो यहाँ पड़ती है, जहाँ मैं पिन पॉइंट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ पे पड़ती है, ये सिक्किम के पास में है बेसिकली। तो ये पड़ रही है नेपाल में। लेकिन इंडिया में जो माउंट कंचनजंगा है, दुनिया के सबसे हाईएस्ट थर्ड पीक है, तो ये सिक्किम और हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर ऐसे फैली हुई है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कंचनजंगा है वो कहाँ पे है, सिक्किम में ही है और थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश में। दूसरी कौन सी सबसे छोटी ऊंची चोटी है, वो पड़ती है जिसको बोलते हैं माउंट केटू, ये यहाँ पड़ता है, यहाँ देखिए मैं पिन पॉइंट कर रहा हूँ, यहाँ पे रेड कलर से देखिए मैं पिन पॉइंट कर रहा हूँ। ये किसका लोकेशन है, ये जो ये लोकेशन है ये किसका, माउंट केटू है। यहाँ पे कहीं पड़ता है आपका,
माउंट एवरेस्ट, और ये सिक्किम वाले इलाके में क्या पड़ेगा, माउंट कंचनजंगा, के मीन्स कंचनजंगा, समझ गए। ये पड़ता है यहाँ पे। सम ऑफ द क्रॉप्स की अगर बात करें, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे उगाई जाती है आपकी वीट्स उगाई जाती हैं, बार्ली उगाया जाता है, ऑरेंज संतरे उगाए जाते हैं, जिंजर, कार्डमम उगाई जाती है, कार्डमम मीन्स इलायची होता है, वो उगाई जाती है। और ये जो सिक्किम है ना, ये भी फेमस है किसके, ऑर्चिड प्लांटेशंस के लिए। जिससे हमने पढ़ा था हिमाचल प्रदेश को फ्रूट स्टेट ऑफ इंडिया बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे फ्रूट्स उगाए जाते हैं। सेम तरीके से सिक्किम में भी ऑर्चिड प्लांटेशन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। और यहाँ पे वीविंग, यहाँ के भी लोग जो है हाथ से कपड़ों को बुनना, चादर बनाना, कारपेट्स बनाना, कॉटेज इंडस्ट्री जो है यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस मात्रा में है। यहाँ की जो महिलाएं हैं वुमेन्स, वो एक तरीके का लॉन्ग स्कर्ट पहनते हैं, जिसको बोलते हैं बाखू, क्या बोलते हैं बाखू बोलते हैं, ये हैवी बीट्स होता है। तो वो जो स्कर्ट पहनती है यहाँ कमर के पास में, उसको बोलते हैं बाखू, हैवी बीट्स के बने होते हैं। वहाँ के जो लोग हैं यानी सिक्किम के जो लोग हैं, उनको म्यूजिक और डांसिंग यानी गाना गाना और डांस करना बहुत ज़्यादा मात्रा में पसंद है। और वो एक डांस करते हैं जिसको बोलते हैं बैम्बू डांस, तो वो बैम्बू के हॉर्न्स बना करके उस पर भी डांस करते हैं। वहाँ के जो लोग हैं, जैसे इंडिया की बात करते हैं तो आपके वहाँ ब्राह्मण्स कुछ पाए जाते हैं, कुछ अलग अलग जाति के लोग हैं। तो सिक्किम में क्या, चूँकि नेपाल के बॉर्डर पे है, तो वहाँ पे कुछ नेपाली भी मिलते हैं। और वहाँ पे जो दो मेन इंडिजिनस ट्राइबल्स कम्युनिटी रहती है, जिसको बोलते हैं लेपचा एंड भूटिया, ये दो, ये और ये नेपाली, तीन मेजर कम्युनिटी पाई जाती है कहाँ पे, सिक्किम में। सिक्किम के साउथ में एक फेमस हिल स्टेशन है जिसको बोलते हैं दार्जिलिंग। दार्जिलिंग सिक्किम में नहीं पड़ता, ये पड़ता है आपका कहाँ पे, वेस्ट बंगाल, WB में। मैप देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये सिक्किम हो गया, और ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, ये मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ ऐसे, या स्क्वायर बना रहा हूँ, तो इस वाले इलाके को दार्जिलिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या पड़ता है, दार्जिलिंग जो है फेमस क्या है, हिल स्टेशन है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और यहाँ पे टी की गार्डनिंग होती है, चाय की खेती होती है यहाँ पे, और हाई क्वालिटी का टी जो है यहाँ पे प्रोड्यूसिंग होती है, समझ गया सिक्किम के बारे में। अब बात करते हैं किसकी, उत्तराखंड की। कैपिटल कहाँ पड़ी थी इसकी, ये कहाँ पड़ेगा पहले, लोकेशन कहाँ है, नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। और ये जो स्टेट है, ये भी क्या है, पूरी तरीके से माउंटेनियस रीजन है, क्योंकि नदर माउंटेन्स के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो ये भी कहाँ है, बहुत ज़्यादा माउंटेनियस रीजन है। और यहाँ का जो गढ़वाल और कुमायूं डिस्ट्रिक्ट जिले जो हैं, गढ़वाल और कुमायूं, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या माउंटेनियस है। यहाँ का जो 90% से जो इलाका है, 90% से ज़्यादा ये कवर है माउंटेन से। और जो उत्तराखंड की कैपिटल, वो कहाँ है, देहरादून में, अभी हमने मैप में देखा था। जब नोट्स आप बनाएंगे तो ये मैप भी जरूर ड्रा कर लेंगे। उत्तराखंड में भी, चूँकि पूरा का पूरा क्या है, माउंटेन है, हिली रेजियंस है, इसीलिए यहाँ पे भी हिल स्टेशंस बनाए गए हैं। और यहाँ पे पिलग्रिमेज सेंटर भी है। पिलग्रिमेज किसको बोलते हैं, जो लोग जो है मंदिर वगैरह अगर जाते हैं घूमने के लिए, उनको क्या बोलते हैं, धार्मिक 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 शरणार्थी बोलते हैं, तो उनको पिलग्रिमेज बोला जाता है। कि जो लोग भी दूसरे देशों में, दूसरे जगहों पे जाते हैं भगवान के दर्शन करने हैं, उनको पिलग्रिमेज बोला जाता है। पिलग्रिमेज सेंटर्स भी है। तो वहाँ पे तीन सिटी जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, जहाँ पे हिल स्टेशन है, कौन कौन, वो है मसूरी, दूसरा नैनीताल, और तीसरा रानीखेत। ये तीनों के तीनों क्या है, हिल स्टेशन हैं। यहाँ का जो सबसे फेमस पिलग्रिमेज है, पिलग्रिमेज का मतलब जहाँ पे भक्त लोग जाते हैं दर्शन वगैरह करने, वो पड़ेगा आपको कहाँ पे, गंगोत्री में, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब। ये सिखों के लिए, हेमकुंड जो साहिब है सिखों के लिए उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा फेमस है। जहाँ अगर हिंदू हैं आप, भगवान शंकर का दर्शन करना चाहते हैं, तो आप कहाँ जा सकते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ जा सकते हैं। अगर आप सिख हैं तो हेमकुंड साहिब जा सकते हैं घूमने के लिए, ये भी उत्तराखंड में बहुत अच्छी जगह है। जो नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास, इनको बोलते हैं कि हेमकुंड साहिब का पिक्चर है, देख सकते हैं मैप में, साइड पिक्चर देख सकते हैं साइड में। नागालैंड की बात करते हैं, तो कैपिटल कहाँ है इसकी, सबसे पहले बात कोई मौर्य कहाँ पड़ेगा, नागालैंड कहाँ पड़ता है, फिर से देखिए मैप को। ये नागालैंड यहाँ पे, ये देख रहे हैं ना, ये पिंक कलर का नागालैंड सबसे कहाँ पड़ रहा है, म्यांमार जो कंट्री है इसके बॉर्डर पे पड़ता है ये नागालैंड। तो नागालैंड की क्या खास बात है, सबसे पहली बात है इसकी कैपिटल कहाँ है, कोहिमा में है। यहाँ के लोग जो हैं खेती करने के साथ फिशिंग करते हैं, मछली पालने का काम करते हैं, वहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है। और नागालैंड का जो फेमस हिल्स है,
हिल्स है वहाँ की क्या खास बात है, वहाँ थिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं, घने जंगल पाए जाते हैं। यहाँ के जो अब घने जंगलों में कुछ जानवर रहते हैं, जैसे क्या रहते हैं, एलिफेंट रहते हैं, बियर रहते हैं, बफेलस रहते हैं, लेपर्ड्स रहते हैं, टाइगर्स रहते हैं, वहाँ के जंगलों में पाए जाते हैं। नागालैंड के जो लोग हैं वो उनको पता है क्या पसंद है, जैसे उनको क्या पसंद है, कलरफुल कपड़े पहनना, उनको रंग बिरंगे कपड़े पहनना, कपड़ों को अच्छे से तरीके से सजाना, सेल्स लगा करके, बीट्स लगा करके, हॉर्न्स लगा करके, बोन्स लगा करके, आइवरी लगा करके, वो उन वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और नागालैंड के लोगों की एक और ख़ास बात है कि वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ पे हिंदू कम और क्रिश्चियंस लोग जो है लगभग 90% से आपको ज़्यादा मिलते हैं, तो वहाँ के लोग थोड़े से बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है। नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास जिसको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश, ये कहाँ पड़ेगा आपको, फिर से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी लाइज करता है, कैपिटल कहाँ है, ईटानगर में। ये जो है पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, पूरी इंडिया की नहीं बात हो रही है, कहाँ की, नॉर्थ ईस्ट अगर एरिया की बात करें, टोटल 7 राज्य हैं तो 7 स्टेट से ये सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, बट यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में कम है। उसके पीछे रीजन ये है कि वो हमेशा जो है कुछ की माउंटेन्स में पड़ते हैं, माउंटेन्स में बहुत ज़्यादा थिक घने जंगल हैं, दूसरा वहाँ बहुत ज़्यादा वाटरफॉल्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, नदियाँ भी ढेर सारी हैं, और वहाँ का बहुत ज़्यादा इलाका हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। तो आप सोचिए ज़रा क्या आप ऐसे इलाके में रहना पसंद करेंगे जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती हो, खून जम जाएगा आपका ना, इसीलिए लोग नहीं रहते हैं डर के मारे, और वहाँ रहने लायक चीज़ें भी नहीं है। माउंटेन्स के ऊपर चढ़ के जाना, मार्केट आना वगैरह वगैरह, ढेर सारी दिक्कतें होती है लोगों को, तो वो इसलिए प्लेन वाले इलाके में रहना पसंद करते हैं। वो वहाँ के जो लोग हैं अपने आप को रेन से, बारिश से और सांपों से बचाने के लिए वो क्या करते हैं, अलग तरीके का घर बनाते हैं। ऐसे क्या करते हैं, बैम्बूज को डिगिंग करके ऐसे फ्रंट पे ऐसे स्टिक कर देते हैं, बैम्बू गाड़ दिया उसके ऊपर में घर बना लेते हैं, कि ये अगर फ्लड आता है, बाढ़ आ गया तो तभी भी बचे रहेंगे, सांपों कीड़े मकोड़े नहीं चढ़ पाएंगे। सेम तरीके से वहाँ के लोगों लोग जो है फार्मिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और फार्मिंग में राइस उगा लिया, वीट उगा लिया, मस्टर्ड उगा लिया, मेज उगा लिया, ठीक है ना, ये वहाँ के लोग करते हैं। वहाँ के लोग एक तरीके की एग्रीकल्चर भी करते हैं जिसको बोलते हैं झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन का मतलब झूम झूम के खेती करना, झूमना का मतलब आज आप यहाँ खेती कर रहे हैं इस जगह पे, मान लीजिए 2-3 महीने के बाद यहाँ चले गए खेती करने, 5-6 महीने के बाद यहाँ चले गए खेती करने, तो यहाँ लोग जो है उसको क्या बोलते हैं, झूम कल्टीवेशन यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। तो कुछ जो ट्राइबल कम्युनिटी है, सारे लोग नहीं, कुछ ट्राइबल कम्युनिटी वो झूम कल्टीवेशन करती है, क्योंकि जंगलों में रहती हैं, अब जंगल को काट के साफ करके वहाँ खेती करते हैं, फिर अब फसल हो गई उसको काट करके फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ पे नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी आपको पता होगा तिब्बत से आती है, जैसे इंडिया में एंटर करती है तो किसके थ्रू एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश के ही थ्रू एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है ये इंडिपेंडेंट स्टेट कब बना था, स्वतंत्र राज्य कब बना था, ये बना था 20 फरवरी 1987 में, बहुत लेट में ये बना था, बहुत लेट में ये राज्य बना, देख रहे हैं ना, इंडिया आज़ाद हुआ 1950 में, 1950s में, और ये स्टेट बना, इंडिपेंडेंट स्टेट बना, उससे पहले यूनियन टेरिटरी था ये 1987 में, और ये बाउंडेड बाई जो इंडिपेंडेंट कंट्री 3 साइड्स में, जैसे कि आसाम है इसके साइड में, आसाम है, नागालैंड है, और साउथ में नागालैंड है, आसाम है, और उसके नॉर्थ साइड में देखेंगे तो कंट्री है चाइना है। इसका जो सबसे जो लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर है भूटान के साथ, ये वेस्ट साइड में मैंने बताया ना मैप में आपको कि भूटान के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं, चाइना के तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, म्यांमार के साथ भी बॉर्डर शेयर करते हैं, 3 कंट्री के साथ ये शेयर करते हैं। नेक्स्ट कंट्री हिमालय, हिमालय का मतलब होता है सॉरी मेघालय, मेघालय जो शब्द है इसका मतलब होता है एबोड ऑफ क्लाउड्स, एबोड ऑफ क्लाउड्स का मतलब बादलों का घर। जो इसकी कैपिटल कहाँ है, ये कैपिटल पड़ेगी आपको कहाँ पे, शिलोंग में। शिलोंग को एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है उसका, स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। स्कॉटलैंड क्या है, एक फिर से ये कंट्री है, कहाँ पड़ेगा ये, यूरोप में। तो शिलोंग को क्या बोलते हैं कि ये स्कॉटलैंड है, कहाँ का, ईस्ट का, अपने इंडिया के ईस्ट का। क्यों बोलते हैं ऐसा, इसलिए क्योंकि अगर 30% यानी 30% जो स्टेट है ये कवर है किसके द्वारा, फॉरेस्ट के द्वारा।
यहाँ के लोगों को भी एग्रीकल्चर करना मेन बहुत ज़्यादा पसंद है मेघालय के लोगों को। और यहाँ के कौन कौन सी फसलें उगाते हैं, आलू उगा लेते हैं, राइस, मेज, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल समझते हैं ना, अनानास उगा लेते हैं वहाँ के लोग, उगाते हैं बनाना उगाते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास जिसका नाम है मणिपुर। मणिपुर का भी लोकेशन देखेंगे, कहाँ मिलेगा आपको, नागालैंड के साउथ में। मणिपुर की कैपिटल कहाँ, इम्फॉल में। यहाँ के लोग हैं वो भी खेती करना पसंद करते हैं, राइस, वीट, मेज, कॉटन उगाते हैं, सुगर केन भी, और एक चीज़ और खास उगाते हैं, ऑरेंज एंड पाइनएप्पल्स। पाइनएप्पल्स आप देखेंगे आपके ये उत्तर प्रदेश बिहार में नहीं उगाया जाता है, ये पाइनएप्पल्स कहाँ उगाए जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है उसके लायक फेवरेबल है। अब वहाँ के जो हिल्स है मणिपुर के वो भी क्या है, डेंस फॉरेस्ट के द्वारा क्या है, वो कवर रहते हैं। कौन कौन से फॉरेस्ट में पेड़ पाए जाते हैं, बैम्बू पाई जाती है, टीक पाई जाती है, और 500 से ज़्यादा ऑर्चिड्स की, ऑर्चिड क्या एक फूल का नाम है, 500 से ज़्यादा स्पीसीज पाए जाते हैं ऑर्चिड नामक फूल की वहाँ पे, कहाँ पे, मणिपुर में। नेक्स्ट स्टेट एक और जिसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल कहाँ है, अगरतला में। यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, खेती करना, क्या उगाते हैं, जूट, सुगर कैन, ऑयल सीड, फ्रूट्स जैसे गावा, पाइनएप्पल, अमरूद और अनानास उगाना जानते हैं, और जानते हैं पसंद है वहाँ के लोगों को। त्रिपुरा जो है एक बात के लिए और फेमस है, वहाँ के हैंडीक्राफ्ट के लिए। त्रिपुरा के जो लोग हैं जो हाथ से चीज़ें बनाते हैं, किस चीज़ के, बैम्बू का और केन का, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और त्रिपुरा की एक और ख़ास बात है कि यहाँ 150 से ज़्यादा जो है बर्ड की स्पीसीज पाई जाती है, अलग अलग 150 से ज़्यादा प्रकार के वहाँ के पक्षियाँ पाई जाती हैं। और यहाँ के जो लोग हैं बंगाली और कोक्को बोराक, इन लैंग्वेज का नाम याद रख लीजिए, इसका नाम क्या बोलते हैं, कोक्को बोराक जो लैंग्वेज बोलते हैं, कहाँ के लोग, त्रिपुरा के। और वहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज, वहाँ के जो राजकीय भाषा है वो कोक्को बोराक है और अंग्रेजी है। बंगाली क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर करती हैं। नेक्स्ट स्टेट हमारा है जिसका नाम है मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल सिंपल सी बात कहाँ पे है, आइजोल में। अब यहाँ के लोगों का मेन फोकस, मेन ऑक्यूपेशन क्या, फार्मिंग करना। क्या उगाते हैं यहाँ के लोग, राइस, मेज, मस्टर्ड एंड कॉटन भी उगा लेते हैं। कौन कौन से फ्रूट्स उगाते हैं, वो उगाते हैं ऑरेंज हो गया, बनाना हो गया, और पाइनएप्पल हो गया। यहाँ के लोगों को भी बैम्बू डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है, नागालैंड के भी लोगों को था। बल्क ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पे क्या है, यहाँ के जो पॉपुलेशन है यहाँ पे भी क्या रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं। अब क्रिश्चियन होने के कारण क्या बोल लेते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, और एक भाषा वो बोलते हैं मिजोरम के लोग जिसको बोलते हैं मीजो, यहाँ की मेन लैंग्वेज ही वहाँ के लोग जो है इसको बोलते हैं। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, एक्सरसाइज करना आपका